7504 जनसंख्या वाला चाय बगान में एक एम्बुलेंस भी नहीं। विगत 4 महीनों से कुल 1700 परमानेंट और बीघा श्रमिक कार्यरत है। मैनेजमेंट की गाफिलती और मजदूरों का अधिकारों का हनन जो कानूनन अपराध है, जो सैकड़ों लोगों को जबरदस्त मौत के जाखिम में धकेला जा रहा है। बार बार एम्बुलेंस खराब होने की घटना घटती रही। कभी बीच रास्ते में इंजन बंद तो कभी दरवाजा खुलकर गिर जाता। पूरा चैचिस का बॉडी कांपने लगता। लोग बीमार के भय से नहीं अपितु एम्बुलेंस के भय से कांपते थे। वो अब 17 साल पुराना एम्बुलेंस निष्क्रिय बगान के गैरेज में पड़ा हुआ है। गानोपाड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व पंचायत सदस्य सुरेश उड़ाव ने बताया कि हर रोज 4 से 5 किलोमीटर अलीपुरद्वार जिला अस्पताल तो लतापाड़ी रूरल अस्पताल के लिए मरीज रेफर किया जाता था, मगर अब बाहर मरीज ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर टीएमसी के ट्रेड यूनियन से सीताराम साव ने घोर विरोध किया है। मैनेजमेंट जानबूझकर इस तरह मुसीबत में लोगों को जाखिम में डाल रहे हैं। और जब कोई महिला रोगी को बाहर चिकित्सा के लिए लेना होता है तब एक टोटो मैजिक हायर किया जाता है जो बहुत ही कष्टदायक होता है रोगी के लिए। शरीर अंदर और पैर बाहर निकल जाता है। यह हमारे महिलाओं का अपमान जैसा ही है। चाय श्रमिक अमजद अंसारी ने कहा कि हम लोगों से ही कंपनियों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, मगर एक छोटी सी समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं 8 महीने से। तो फिर अभी सर्विस क्या मिल रहा है यहाँ पे? पैसे क्या है? तो भाड़ा में गाड़ी लाया हुआ है, भाड़ा में गाड़ी लाया हुआ है। वो भाड़ा गाड़ी में जो गरीब ले जाता है, दोपहर बाहर निकलता है, माता भीतर रहता है, इस परिस्थिति में चल रहा है। ये एम्बुलेंस ऐसा अवस्था है, फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है आप आज लाएगा, कल लाएगा, परसों लाएगा, यही तबकी बाजी कर 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 पार कर रहा है। जैसे कि पेशेंट लोग बीमार होता है तो वो लोग को लेके हम लोग हॉस्पिटल के लिए अलीपुर जाना पड़ता है, लोथापड़ी जाना पड़ता है। हम लोग को बहुत असुविधा होता है क्योंकि एम्बुलेंस का सीट भी खराब है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत खराब है, उसका पूरा बॉडी खराब हो गया है। बोले से एम्बुलेंस क्या चल रहा है अभी? एम्बुलेंस का ऐसा होता है उसका दरवाजा खिड़की सब खुल जाता है, ऐसा हालत हो गया है। कभी भी एक्सीडेंट या हादसा हो सकता है। आजकल बोलते बोलते 8-9 महीना हो गया, अभी उसके बदले एक तो मैक्सिमो गाड़ी दिया है, उसमें तो पेशेंट जाएगा नहीं क्योंकि वो अड्डोन गाड़ी है ना, उसमें जाएगा नहीं पेशेंट। फिर भी हम लोग जाता है साहब के पास, इसीलिए गेट मीटिंग भी आज हाँ। रोड पे खराब होता है, उसका डिग्गी पीछे वाला खिड़की उनके सब निकल जाता है, कभी खराब हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये पेशेंट का है ना सर। और इतना बड़ा सलाम हम लोग का मालिक है, करोड़ों रुपए का मालिक है, बागान में इतना डेली माल जाता है, 3-4 लाख रुपए का माल जाता है बाहर, लेकिन एक तो एम्बुलेंस देने का पावर नहीं।